तो ये है आपकी होंडा यूनिकॉर्न 160cc बाइक 2024 लेटेस्ट मॉडल ब्लैक कलर में आपके सामने खड़ी है। तो 2024 में इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, साथ ही में इसकी नई ऑन रोड प्राइस क्या है। नई इसलिए क्योंकि जुलाई 2024 के बाद आपको जो है ना ऑन रोड प्राइस में सभी बाइक में, लगभग सभी बाइक में डिफरेंस मिलेगा। तो होंडा यूनिकॉर्न की नई ऑन रोड प्राइस क्या है, साथ ही में इसमें फ़ीचर्स क्या मिलते हैं, माइलेज कितना मिलेगा, टॉप स्पीड वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जिसको पता करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आपको बस वीडियो को एंड तक देखना है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलो चलो चलो। तो बाइक अगर आपको परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना शोरूम की सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। जैसे कि सामने नज़र आप देख ही सकते हैं, काफ़ी सारा यहाँ पर आपके लिए होंडा कंपनी का स्टॉक यानी कि बाइक, स्कूटर सब कुछ अवेलेबल है। तो बाइक को परचेस करना है तो यहाँ पर आप जो है विजिट कर सकते हैं, और चाहे तो टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में आपको जो है ना ये बड़ा सा वाइज़र मिल जाता है, जो कि काफ़ी सही क्वालिटी में है, जो पतला नहीं है, काफ़ी हट्टा कट्टा है। यहाँ पर आपको जो है ना होंडा का स्टिकर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रोम के पार्ट आपको मिल जाते हैं, जिससे फ्रंट लुक काफ़ी बढ़िया लगता है, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। उसके बाद हेलोजन में आपको यहाँ पर हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, जैसे कि सामने नज़र आप देख ही सकते हैं। उसके बाद बल्ब में आपको इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। दोनों ही मैं आपको एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप फ्रंट से जो है ना बाइक का हेडलाइट ऑन होने के बाद लुक देख सकते हैं। बाकी फ्रंट में यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में रिफ्लेक्टर है, सेफ्टी पर्पस है। उसके बाद यहाँ पर आपको 240mm का डिस्क मिलेगा फ्रंट में, और यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। ABS की ब्रांडिंग आप जो है मडगार्ड पर देख ही सकते हैं, जो कि ब्लैक कलर में है। उसके बाद फ्रंट में टायर साइज 80x100 18 इंचेस अलॉय व्हील यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लैक कलर में, और MRF कंपनी का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क का साइज़ है 240mm। तो ये सारी चीज़ें मिलती है। सेफ्टी के लिए लेग गार्ड मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको किक स्टार्ट ऑप्शन मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बैटरी में अगर बाई चांस प्रॉब्लम हो जाए और उस वजह से किक से यानी कि सेल्फ से बाइक ना स्टार्ट हो, तो किक से आप इजीली बाइक को स्टार्ट कर लोगे। बाकी इंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको होंडा का इंजन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हमेशा होते हैं, जिसकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। अब इससे पावर फिगर की अगर हम बात करें तो 162.7cc का इंजन मिल जाता है, एयर कूल्ड इंजन है। यहाँ पर आपको 12.91 PS की पावर मिलती है और 14 Nm टॉर्क मिल जाता है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 187mm का काफ़ी बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बढ़िया है 187mm। 13 लीटर का यहाँ पर आपको टैंक मिल जाता है, टैंक डिज़ाइन देख सकते हैं। साइड से आपको होंडा का 3D लोगो मिलेगा, और ये बाकी सारी चीज़ें E20 का अपडेट आपको मिल जाता है, जैसा कि 20% इथेनॉल वाले फ्यूल से भी ये बाइक चलने वाली है। बाकी माइलेज की बात करते तो इस बाइक से आपको 50 के आसपास माइलेज मिल सकता है। माइलेज जो है ना कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके राइडिंग पे और आपके बाइक के यूज़ पे, तो उस हिसाब से आपको माइलेज मिल सकता है। बाकी इंजन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मिलता है, जो कि होंडा का है, तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऑनर जो है, जो भी होंडा बाइक के ऑनर है वो सब जानते हैं, जैसे कि पर्सनली मेरा भी जो है एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है होंडा का इंजन, बात तो सही है। तो होंडा यूनिकॉर्न का रियर लुक आपको जो है ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। बाकी जो बैकग्राउंड है ना उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लो यार। और एग्जॉस्ट जैसा कि आप देख सकते हैं मस्कुलर डिज़ाइन में मिल जाता है, तगड़ा है, बाइक के साथ काफ़ी सही सूट करता है। और यहाँ पर आपको पैर रखने के लिए ये सेफ्टी वाली चीज़ भी मिल जाती है, काफ़ी सही चीज़ है। अब इसका फ़ायदा क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं। उसके बाद रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है रियर में, 18 इंचेस अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पर आपको MRF कंपनी का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है, अच्छा खासा वाइड है, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में अलॉयज है और ट्यूबलेस टायर आपको मिल जाता है। बाकी रियर लुक देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक में आपको टेल लाइट मिल जाती है होंडा का, उसके ऊपर यहाँ पर आपको स्टिकर मिल जाता है कुछ ऐसे लुक में, टेल लाइट, यहाँ पर रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट का जो ब्रैकेट है ना उसके ऊपर भी अब आपको
रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और दोनों साइड से इंडिकेटर कुछ ऐसा यहाँ पर आपको जो है ना रियर लुक बाइक का देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड का यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, स्पोर्टी पैटर्न में साइड स्टैंड है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेफ्टी फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है, सेंटर स्टैंड में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल्ली कवर्ड चेन मिलती है जिससे मेंटेनेंस आपका जो है ना काफ़ी सही रहता है, बार बार आपको जो है ना चेन की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको साड़ी गार्ड, लेडीज़ फुटरेस सारी चीज़ें मिल जाती है। सीट को ओपन करना है तो यहाँ पर की लगा कर सीट को आप जो है ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है, कुछ ऐसे आपको होंडा यूनिकॉर्न 160cc बाइक में फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी स्विचेस भी देख लो यहाँ पर, पासिंग, लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, यहाँ पर हॉर्न का स्विच मिल जाता है। हॉर्न साउंड में आपको सुना देता हूँ तो कुछ ऐसा हॉर्न साउंड मिल जाता है। राइट साइड में आपको किल स्विच, यहाँ पर सेल्फ का स्विच मिल जाता है और बार एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है और लुक भी काफ़ी बढ़िया लगता है और जो है ना इसके फ़ायदे भी काफ़ी सारे होते हैं। बाकी एग्जॉस्ट साउंड में आपको सुना देता हूँ। तो अभी जो है ना अपनी होंडा यूनिकॉर्न बाइक जो स्टार्ट हो चुकी है, तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको इंजन साउंड और कुछ ऐसा यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनने को मिल जाता है। काफ़ी रिफाइंड इंजन है जिससे आपको यानी कि साउंड से ही काफ़ी कुछ पता चल जाता है यार। और बाकी इसके मीटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको फुल्ली एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको कुछ बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर वगैरह, ओडोमीटर वगैरह और आपका जो है आरपीएम मीटर, जैसा कि ये चीज़ आप देख सकते हैं, फ्यूल मीटर है, न्यूट्रल, यहाँ पर इंडिकेटर का इंडिकेटर और उसके बाद हाई बीम, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। कुछ बेसिक ही फीचर आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, सिंगल यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पर जो है बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं। तो होंडा यूनिकॉर्न 160cc बाइक में 2024 में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी मेन चीज़ की बात करते हैं तो ऑन रोड प्राइसेस की अब आपको मिल जाती है, पहले आपको मिलती थी 1,36,000 के आसपास, लेकिन अब आपको नई ऑन रोड प्राइस आपको जो है ना 1,37,000 के आसपास मिल सकती है, 1,500 का आपको डिफरेंस मिलने वाला है। तो ये सारे फीचर्स के साथ आपकी होंडा यूनिकॉर्न 160cc बाइक सामने जो खड़ी है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी पता है यार काफ़ी सारी डिमांड है इसके अंदर, काफ़ी सारे अपडेट होने की, जैसे कि LED हेडलाइट, डिजिटल मीटर वगैरह, तो वो सारी चीज़ें फ़िलहाल तो नहीं मिलती। फ़िलहाल जो जो फीचर्स आपको मिलते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई नया अपडेट मिलता है या फिर इसका जो है नया मॉडल लॉन्च होने वाला होता है तो वो सारे अपडेट आपको जो है ना इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही में आपको बाकी भी काफ़ी सारे बाइक के रिव्यू वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना है। बाकी यार ये था आज के वीडियो में, अगर इन्फॉर्मेशन सच में अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके आपको बाइक से रिलेटेड क्या लगता है ये कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।